पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आपको पता है कि मावा बाटी मैंने जरूर बनाई है, लेकिन अपने आप से या अपनी इच्छा से नहीं। मैं सोच सकूं इसके पहले ही बाबा साहब ने मुझे कह दिया था कि आज हमारे बेटे की सबसे पसंदीदा मिठाई बनाओ तो महल्या। तुम्हें बहलाने के लिए या हमारा दिल रखने के लिए तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम छोटे सुबेदार जी। आज बाबा साहब कितना खुश है मैं आपको कैसे बताऊं? ये आपके लिए तो बनाया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पूरे बाड़े में मावा बाटी बांटने को। लेकिन बाबा साहब तो इस मुहिम के लिए गुनोजी दाजी को भेजना चाहते। बाबा साहब को पहचानने की यही तो भूल करते हैं ना आप। उनका उठाया गया कदम आपको याद रहता है, लेकिन उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश ही नहीं करते आप। इस मुहिम के लिए बाबा साहब आपको ही भेजने वाले थे, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे वो छोटे सुबेदार जी। लेकिन आप जब से आए हैं तब से जो भी हुआ, जिस तरह हुआ, आप दोनों के काम करने का तरीका, आप दोनों की सोच इस तरह टकराती रही कि तुमको भी ऐसा लगता है कि हमारा काम करने का तरीका, ये हमारी सोच गलत है? शायद नहीं, लेकिन एक सी भी तो नहीं है। और यहाँ हम आपकी और बाबा साहब की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं आप दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आप पराक्रमी योद्धा बनकर खुश हैं, लेकिन बाबा साहब अपने बेटे को आदर्श राजा के रूप में देखना चाहते हैं। छोटे सुबेदार जी, बाबा साहब आज बहुत गर्व के साथ कह रहे थे कि अहिल्या, केवल पेशवा जी नहीं, आज पूरा दरबार मेरे बेटे के पक्ष में है। और ये पद उसने अपने पिता के चुनाव से नहीं, अपनी योग्यता से हासिल किया है। छोटे सुबेदार जी, आज अगर आप बाबा साहब के चेहरे की चमक देखते ना, उनकी आंखों में खुशी की हल्की सी नमी थी, तो शायद आप समझ जाते कि आपकी कामयाबी से जितनी खुशी उन्हें मिली है उतनी खुशी किसी और को नहीं मिली। आबाद। जो बात हम कहने आए थे तुमने कह दी, और शायद हमसे अच्छे ढंग से कह दी। बस खंडराव समझ जाए तो कोई समस्या ही ना रहे। दो बड़ी समस्या थी मेरे सामने। पहली, छोटे सुबेदार जी को बाबा साहेब की नज़रों में उनका सही और योग्य स्थान दिलाना, और दूसरी, छोटे सुबेदार जी को नशे की लत से मुक्त कराना। पहली समस्या तो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। शिव जी ने चाहा तो नशे से भी मुक्त हो जाएंगे छोटे सुबेदार जी।
द्वारका बाई साहेब, आप ही के पास आ रही थी मैं। खंडेराव की आरती करने नहीं आई आप? आपको पता तो चला होगा ना कि खंडेराव को राजपूताना मुहिम के लिए भेजा जा रहा है सेनापति के रूप में। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि केवल दरबार ने ही समर्थन नहीं दिया, बल्कि पेशवाजी साहेब ने भी चिट्ठी लिखकर खंडेराव को सेनापति नियुक्त करने की इच्छा जताई। कुछ दिन पहले ही तो खंडेराव वापस आया है गुरुकुल से, और आते ही मालवा से पूना तक कितनी प्रसिद्धि मिल गई खंडेराव को। सच में जीवन बीत जाता है लोगों का, और कितने तो मेहनत करके भी इतना सब नहीं पा सकते, है ना द्वारका भाई साहेब? पक्का साहेब, आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ भी तो नहीं, पर आप ही ने कहा था ना कि खंडेराव मनमौजी है, जिद्दी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पेशवाजी साहेब ने खंडेराव को ही भरोसे के लायक समझा, तभी तो इतनी बड़ी मुहिम के लिए। चलिए छोड़िए, आप आरती करने नहीं आई, कोई बात नहीं, मुंह तो मीठा कर लीजिए। अभी मन नहीं है हमारा। सब देख रहे हैं द्वारका भाई साहब, मीठी चीज को लेकर कड़वी बात फैलते देर नहीं लगेगी कि द्वारका रानी साहेब ने गौतमा रानी साहेब के हाथ से मिठाई नहीं खाई। आपको मीठा लगा कि नहीं लगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो भरोसा करती है ना आप मुझ पे कि मीठा कह के मीठा ही खिलाऊंगी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।